डिनर के लिए आज कुक करने वाला हूँ रोस्टेड चिकन। तो बड़ी ही सिंपल रेसिपी, आज कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला हूँ। सॉल्ट रहेगा, थोड़ा सा स्पाइसेस रहेंगे और ऑयल रहेगा। और एक चीज़ आज मैं नई इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ अपने कैंपिंग गियर्स में, वो है सीक्स। तो आज मैं लकड़ियों के ऊपर रोस्ट नहीं करने वाला हूँ, स्पेशल सीक्स लेके आया हूँ, वो दिखाऊंगा आपको और सीक्स में ही डाल के चिकन को रोस्ट करूँगा। सो फ्रेंड्स, ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्ट, और इसमें है तंदूरी चिकन मसाला और इसमें है रिफाइंड ऑयल। सो ज़रूरत के अकॉर्डिंग हर चीज़ को डाल के बस सिंपली इसको मिक्स करके एंड इट इज़ रेडी टू गो। सो गाइस, अभी आग जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये रही वो सीक्स, 4 लेके आया हूँ मैं। इन पे चिकन को टांगेंगे और करते हैं फिर रोस्टिंग। सीक्स में चिकन या कोई भी चीज़ को रोस्ट करना बड़ा ही इजी है, और जितनी इसके रोस्टिंग के लिए आग चाहिए या हीट चाहिए वो परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये पक चुका है। तो गाइस, रोस्टेड चिकन के साथ साथ सैलड के रूप में जो है वो कुकुम्बर है, खीरा, और साथ में जो है वो नींबू के साथ इसको चटपटा बना रहा हूँ गाइस। अंधेरा होने वाला है तो इतना सही से रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। बड़ा ही लाजवाब गाइस, इतना टेस्टी बनाना, कभी ट्राई करना घर पे ये चीज़। अभी डिनर फिनिश करता हूँ और आपसे मुलाकात होती है डिनर के बाद। सो गाइस, डिनर फिनिश कर दिया है और आप देख सकते हो कि बॉन फायर भी ऑलमोस्ट बुझ गया है। बट एक बैड न्यूज़ क्या है कि बारिश स्टार्ट हो गई है और बड़ी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हुई है गाइस। सो मैं जाता हूँ टेंट के अंदर, फिर देखते हैं क्या होता है। Oh guys, not good. It's not a good news for me. और अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो गई है यार, ये कहाँ से? आज तो मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला था। How is it possible? अभी खाना खाने तक तो ये बिल्कुल सही था गाइस। आप आवाज़ सुन सकते हो ना, टेंट के ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही हैं। गाइस, गुड न्यूज़ ये है कि बारिश थम चुकी है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बट 2 सेकंड के लिए इसने डरा के रख दिया था कि कैसे कैंपिंग करूँगा। अभी भी छींटे गिर रहे हैं, टेंट के ऊपर आवाज़ आ रही है ना गाइस। बट होपफुली बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का फोरकास्ट देखा था मैंने, उसमें बारिश नहीं थी। बट आई डोंट नो ये बारिश कहाँ से जो है वो टपक पड़ी है, और थोड़ी सी हुई, इसने आग भी बुझा दी बाहर जो थी। तो अभी आग का कोई सीन रह नहीं गया, अब जलेगी भी नहीं मेरे ख्याल से यार। गाइस, रात के 11 बज चुके हैं और जो सोलर लाइट थी वो बुझ चुकी है, 11:02। और टेंट मेरा ये रहा, ऊपर से दिख नहीं रहा है बट चांदनी आ गई है पूरी। पहले बादल थे, बारिश हुई और अब जो स्काई पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है गाइस, तो गुड नाइट फॉर नाउ और सुबह मिलते हैं। अच्छी खासी ठंड है गाइस, टेंट के अंदर नहीं फील हो रहा है बट बाहर निकलो तो काफ़ी ठंड है, पानी जम चुका है गाइस। सो ठंड का आलम आप देख लो कि बाहर जो पानी की बोतल पड़ी थी उसकी साइडें पूरी जम चुकी है। तो चलो गाइस, गुड नाइट और सुबह आपसे मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। सो मॉर्निंग हो चुकी है और आपको दिखाता हूँ मैं बाहर का नज़ारा। सो गाइस, टेंट के बाहर कुछ इस तरीके का है गाइस। बात भी नहीं करी जा रही है सुबह सुबह बहुत ठंडा है यार। कैंप के पीछे की लोकेशन कुछ इस तरीके से है और कैंप का फ्रंट जो है वो कुछ इस तरीके का है। बड़ी ही ब्यूटीफुल जगह है गाइस, अमेजिंग। कल एक अच्छी बात क्या हुई कि जब बारिश स्टार्ट हुई तो टेंट का पता चल गया कि ये वाटरप्रूफ है भी कि नहीं, बट अच्छी बात यह है कि पानी की एक भी बूंद अंदर नहीं गिरी। सो गुड। और कल से मौसम बड़ा अजीब सा हो रखा है, बादल हुए, बारिश हुई, फिर एकदम से जो है वो स्काई पूरा क्लियर हो गया और अभी सुबह फिर से बादल हो गए थे और फिर से धूप निकलना शुरू हो गई है गाइस। अगर वहाँ पे देखो उस पहाड़ी के उस पर तो आधे पे छाया है और आधे पे धूप निकली हुई है। मैं आपको दरिया दिखाता हूँ यहाँ से, शायद दिख जाए। कैंपिंग के लिए बड़ी ही प्यारी जगह गाइस, बड़ी ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। अभी अगर आप पार सामने देखोगे ना दरिया के पार तो एक झरना बह रहा है एक, हाँ गाइस, तो वो ठीक नीचे दरिया रहा, इतनी हाइट से झरना बह रहा है और नीचे जो है वो दरिया है। और कोशिश करता हूँ आग को फिर से जलाने की, बड़ी मशक्क़त करने के बाद आग को आखिरकार जला ही दिया गाइस। तो अभी ठंडी नहीं लग रही है। तो चलो अभी आग को करते हैं ख़त्म, पानी डाल के और घर निकलने की तैयारी करते हैं गाइस।